सो गाइस, सो आज हम लोग बताएंगे जो यामा आर ऑन एम फाइनली फाइनली गाइस 2023 के अंदर भाई इंडिया के अंदर भाई मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो चुका है। और अभी जो गाइस यामा जो आर ऑन एम है ना गाइस, इसका प्राइस भी आप लोगों को बहुत ज्यादा कम प्राइस देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले का जो यामा आर ऑन एम था वो गाइस जापान के अंदर भाई मैन्युफैक्चर होता और बाहर का कंट्री के अंदर इंडिया के अंदर इम्पोर्ट होने के लिए भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे गाइस चांस लग जाता है। बट अभी अभी यामा ने गाइस क्या सोच लिया, सीधा गाइस इंडिया के अंदर ही भाई मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया और इसका प्राइस गाइस एकदम 50% डाउन हो चुका है। तो आज हम लोग बताएंगे जो यामा आर ऑन एम फाइनली गाइस इंडिया मार्केट के अंदर बहुत जल्दी गाइस लॉन्च होने वाला है, और ये बाइक के अंदर क्या प्राइस, माइलेज, टॉप स्पीड सारे कुछ बताएंगे। सो गाइस अभी तक वीडियो के अंदर लाइक नहीं किया तो वीडियो के अंदर लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों बस वीडियो को जरूर से गाइस शेयर करो। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस यहां पे बेस्ट अगर पावरफुल एंड लुकिंग बाइक अगर माना जाता है तो ये गाइस यहां पे यामा आर ऑन एम के अंदर गाइस तुम लोग जा सकते हो, क्योंकि इसके इनिशियल पिकअप एंड टॉप स्पीड एंड लुक यहां पे गाइस बहुत ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलेगा। और इंजन कैपेसिटी को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे 998 सीसी लिक्विड कूल 16 बल्ब का आप लोगों को यहाँ पे इंजन देखने को मिलेगा। और ये बाइक के अंदर तुम लोग को बीएचपी को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे 200 प्लस यहाँ पे बीएचपी गाइस देख सकते हो और 13,500 आरपीएम के साथ। तो अभी हम लोग बात करेंगे बाइक का सिलेंडर को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे इनलाइन 4 सिलेंडर के अंदर देखने को मिलेगा, सॉरी गाइस यहाँ पे क्रॉस पैनल 4 सिलेंडर मतलब 4 सिलेंडर के अंदर क्रॉस पैनल इंजन के साथ। और यहाँ पे गाइस वेट कैपेसिटी को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे 202 केजी वेट देखने को मिलेगा, मतलब बाइक का लुक आप लोगों को तो यार बहुत ज्यादा अच्छा खासा देख सकते हो। तो आप लोग बताओ आपका ये लुक कैसे लग रहा है एंड इनिशियल पिकअप एंड टॉप स्पीड गाइस वो भी हम लोग बताएंगे। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे ओनली फॉर ये गाइस यहाँ पे 70 लीटर का आप लोगों को यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। और ये बाइक के अंदर तुम लोग देख सकते हो ड्यूअल चैनल सुपर मोटो एबीएस मतलब एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और यहाँ पे गाइस सामने तुम लोग को डबल डिस्क का सेटअप देख सकते हो और रियर गाइस यहाँ पे सिंगल डिस्क का सेटअप देखने मिलेगा। और इसका जो ब्रेकिंग है ना मोस्ट पावरफुल गाइस यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। और डिस्क का साइज को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे सामने 320mm और रियर यहाँ पे 220mm डिस्क साइज देखने को मिलेगा। और ये जो बाइक के अंदर तुम लोग को बहुत कुछ सेंसर देखने को मिलेगा, जैसे भाई तुम लोग क्रूज कंट्रोल देख सकते हो एंड क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड को लेकर बात करेंगे तो रेड मोड, अर्बन मोड, रोड मोड एंड तुम लोग को यहाँ पे स्पोर्ट मोड देखने को मिलेगा। साथ में ट्रैक मोड भी यहाँ पे कंपनी इंस्टॉल कर दिया। तो न्यू जो 2023 जो BS7 आर ऑन एम जो ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल के अंदर इतने सारे कुछ यार फीचर्स देखने को मिलेगा। साथ में तुम लोग भाई यहाँ पे गाइस ये ऐप के थ्रू भाई ये बाइक को भी कंट्रोल कर सकते हो, अगर बाइक के अंदर कोई कुछ भी गाइस प्रॉब्लम आ जाएगा तो हमारा ऐप के अंदर भाई यहाँ पे आराम से शो कर देगा। और यहाँ पे टायर साइज को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे सामने टायर मतलब फ्रंट टायर 120x70x17 देख सकते हो और रियर टायर मतलब पीछे का जो टायर होगा 190x55x17 देखने को मिलेगा। और अभी जो बात करेंगे बाइक का टॉप स्पीड को लेकर, यहाँ पे इंडिया के अंदर भाई रोड लीगल बाइक होता है 299 और इसका भी गाइस रोड लीगल है 299 ही होता है, सारे सुपर बाइक के अंदर भाई 299 गाइस जाके यहाँ पे लिमिट लग जाता है ठीक है। और इसका 0-100 मतलब इनिशियल पिकअप को लेकर बात करेंगे 2.7 सेकंड के अंदर भाई 0-100 पकड़ लेगा ये बाइक। तो आप लोग बताओ इसका खतरनाक वाला इनिशियल पिकअप एंड लुक अब लुक ऐसा लग रहा है, ऑब्वियसली एक बार भाई कमेंट करके बता देना। और साथ में यहाँ पे तुम लोग को डुअल एलईडी हेडलाइट प्रोजेक्ट और लैम्प देख सकते हो, सारे इंडिकेटर तुम लोग को एलईडी देखने को मिलेगा, पीछे का टेल लाइट भी एलईडी गाइस यहाँ पे सारे कुछ यहाँ पे एलईडी। और सस्पेंशन को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे सामने यूएसडी फॉक्स मतलब अपसाइड डाउन फॉक्स और रियर गाइस यहाँ पे मोनोशॉक देखने को मिलेगा। और इसका जो यूएसडी फॉक्स मतलब सामने का जो सस्पेंशन है गाइस ये ऑटोमेटिक गाइस सेंसर की मदद से हो जाता है, अगर भाई सामने अगर खराब रोड आ जाएगा तो ऑटोमेटिक गाइस यहाँ पे सॉफ्ट एंड हार्ड यहाँ पे हो जाता है, मतलब सेंसर के ऊपर गाइस डिपेंड करता है, जैसे भाई एबीएस ब्रेकिंग कंट्रोल काम करता है सेम टू सेम यहाँ पर भी गाइस सेंसर इंस्टॉल कर दिया। और इसके अंदर तुम लोग को देखने को मिलेगा डिजिटल एलसीडी मीटर, तो ये भी गाइस एक अच्छा वाला प्लस पॉइंट है एंड कंपनी ने अच्छा खासा दे दिया। और ये जो बाइक है ना अभी जो रिसेंट जो प्राइस है 35 लाख एक्सट्रीम प्राइस है, अगर इंडिया के अंदर भाई मैन्युफैक्चर हो जाएगा तो भाई ये बाइक 25 लाख के अंदर मिल जाएगा, कहा 35 और कहा 25, तो भाई कितना ज्यादा गैप है वो तो गाइस आप लोग देख ही लिया ठीक है। तो ये इंडिया मार्केट के अंदर भाई 25 से 26 तक भाई आ जाएगा। तो आप लोग बताओ ये बाइक का लुक एंड प्राइस कैसे लगा, ऑब्वियसली एक बार भाई कमेंट करके बता देना। और मैन्युफैक्चर हो जाएगा 3 से 4 महीने के अंदर भाई इंडिया मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगा, इसका मैन्युफैक्चर गाइस बहुत जल्दी भाई हो जाएगा ठीक है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो के अंदर एक लाइक करो, चैनल के अंदर ना हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो गाइस चलो आज का वीडियो इतना ही एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।